जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शोफिया, जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग शोफिया के सहयोग से शोफिया में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ को उप न्यायाधीश सचिव डीएलएसए शोफिया फिरोज अहमद खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो सर्किट हाउस शोफिया से शुरू हुई और जिला अदालत परिसर शोफिया में समाप्त हुई। यात्रा में शोफिया जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। मैराथन में खेल अधिकारियों और स्वयंसेवकों के अलावा 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। बाजार से गुजरते हुए छात्रों ने एकता और राष्ट्र निर्माण के नारे लगाए। देखें पूरी खबर विस्तार से एबीडी न्यूज़ के लिए संवाददाता मीर सज्जाद की है रिपोर्ट। मैराथन था, ये सर्किट हाउस से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स तक ये ऑर्गेनाइज किया था डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स शोपियान ने। तो हमें बहुत ही मजा आया इस मैराथन में और हम शोपियान मार्शल आर्ट एसोसिएशन मतलब बहुत ही शुक्रगुजार है कि ये मैराथन में हमें भी बुलाया और हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट हर बार होते हों, हर कोई इंसान मतलब ऐसे इवेंटों में हिस्सा ले और एंजॉय करे और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करे। पढ़ने के साथ जो मतलब फिजिकल फिटनेस है ये इवेंट मतलब इनमें जब हिस्सा लेते हैं तो इनसे फिजिकल फिटनेस भी ठीक रहती है, मतलब हेल्थ ठीक रहती है, मेंटल एबिलिटी ठीक रहती है। तो पढ़ने के साथ साथ ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज का जो हमारा था वो था एक शॉर्ट मैराथन था, दैट वाज विद द कोलैबोरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स शोपियां। तो इस सिलसिले में हमने एक मैराथन करा जो कि सर्किट हाउस शोपियां से स्टार्ट होकर कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपियां में कंक्लूड हो गया। इसमें हमारे डिफरेंट स्कूल्स के जो बच्चे थे जो ऑर्गेनाइज करा था यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने, दे हैव पार्टिसिपेटेड। तो उसमें छोटे भी बच्चे थे, कोई 8th क्लास के भी बच्चे थे, 10th के क्लास के बच्चे थे, 12th के बच्चे थे। तो ये एक मैराथन था जिसका थीम था हमारा फिट इंडिया कंपेयर। तो मेरा यही रहेगा कि सबसे क्या आप ऐसा करिए कि यू टेक ए प्लेज टुडे that you will indulge yourself in physical activity and sports, make your family members and neighbors ready for this Fit India campaign, so that उनका जो health वगैरह है वो ठीक रहता है इससे। तो हमारा क्या है कि हम सुस्त बन गए हैं, हम देर से उठते हैं नींद से, तो ये कोई concept जो हमारे पास है वो भाग गया है। और दूसरी बात ये है कि drugs वगैरह का मिनेस है, smoking का मिनेस है जो करते हैं लड़के, आजकल के छोटे छोटे लड़के, if they will indulge themselves in those activities तो वो उससे दूर आ जाएंगे। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ, इससे फिजिकल भी और मेंटल हेल्थ भी इसमें आपका।